वेलकम बैक फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। ब्रेकिंग गुड न्यूज है, दो गुड न्यूज आपको देने वाले हैं। जेएल वाटर फायरमैन का मेडिकल कब से होगा डेट डिक्लेयर कर दी गई है, और पीएससी वाले बच्चों की लिस्ट और एडमिट कार्ड, आपका मेडिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको खुशखबरी देने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 23-8-2021 को जिन बच्चों का मेडिकल है, यहाँ देखो छठी वाहिनी मेरठ, यहाँ देखो प्रातः 8 बजे इनको पहुंचना है। 23 तारीख इनका मेडिकल है, एडमिट कार्ड आ गया है। बाकी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, इसमें भी साफ साफ दिए यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो भाई ये सब कुछ तैयार रहना, मेडिकल एडमिट कार्ड आने लगे हैं। आपकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लिस्ट भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। अब ऐसे करके लिस्ट आएगी, और एक पीडीएफ फॉर्म में सभी लिस्ट आ जाएंगी, जिसमें A to Z रहेगा। बाकी ऐसे लिस्ट आती रहेगी और पैनल वाइज इसे जारी होता रहेगा, ठीक है ना। पैनल वाइज जारी होता रहेगा, 50, 30, 40 ऐसे ऐसे बच्चों का जारी होगा। तभी हम आपको लिस्ट भी दिखाने वाले हैं। ये कहाँ की है, मेरठ की है। 8 बजे आपको पहुंच जाना है, 23 तारीख का इनका मेडिकल है, ओके। और आपको दिखाते हैं, ये कॉल लेटर है, ठीक है भैया। और आपको दिखाते हैं कॉल लेटर, यहाँ पे देखिए दूसरा कॉल लेटर है। यहाँ देखिए अंबेडकर नगर का है, इनका 24 तारीख को, 24-7-2021 को इनका मेडिकल है, अंबेडकर नगर, ठीक है ना। इनको भी 8 बजे पहुंचना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिख रहा होगा। और दिखाते हैं कॉल लेटर, यहाँ देखिए। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए, इनका मेडिकल है देख लो, जेल वाटर फायरमैन का 6-8 से, आप लोग का 5 से स्टार्ट है पीएससी वाले बच्चों का, और जेल वाटर फायरमैन का 6 तारीख से, यानी कहने मतलब ताबक तोड़ दोनों के साथ में मेडिकल हो रहे हैं। तो भैया इसमें से कौन सी अच्छी है, सबसे पहले आपको बता चुके हैं, पीएससी बेस्ट है। जिसको पीएससी में जाना है, एस करना है, तो पीएससी जा सकते हो। बाकी जेल वाटर फायरमैन में वहीं पर रहोगे, बाकी सैलरी की बात करें सेम है, बाकी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रेवलेंस है उसमें, ताकि इसमें पीएससी में, तो पीएससी बेस्ट है हमारे हिसाब से। बाकी जो ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, 6-8-2021 से इनका मेडिकल है, 24 तक चलेगा। बाकी 5 से 30 तक इसका मेडिकल चलेगा, पीएससी वाले कैंडिडेट का, मतलब ताबड़तोड़ दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है भैया। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, जो पीएससी वाले कैंडिडेट अपना बनवा लिए होंगे, पीएससी वाले एकदम तैयार हैं पीएससी वाले देने के लिए, ठीक भाई। सारी चीज़ यहाँ पे देख लो, दोनों में आप नहीं जा सकते हैं, दोनों का मेडिकल ज्वाइन मत करना, क्योंकि एक ही विभाग है, तो आप लोग मेडिकल नहीं करा सकते दोनों में, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मेडिकल सिर्फ आप एक ही में करा सकते हो, दोनों में नहीं करा सकते, क्योंकि शपथ प्रमाण पत्र आप दो में नहीं लगा सकते किसी भी हालत में। तो आपको सिर्फ एक ही करना होगा, सिर्फ आप मेडिकल एक ही में करा सकते हैं, ठीक भैया। पीएससी में अगर जा रहे हो तो पीएससी में जाओ, अगर जेल में जा रहे हो तो जेल में जाना। ज्वाइनिंग की बात है तो सेम ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 10-15-20 दिन का अंतर रहेगा पीएससी और इसमें ज्वाइनिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी जिसमें आप जाना चाहते हो, क्योंकि शपथ, शपथ मतलब होता है कसम। जो भी सारी जानकारी दोगे सही दोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दोगे, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए एक ज्वाइन करना, एक में मेडिकल कराना, ठीक। ये अभी आपको पूरा इसका ऑफिशियल आपको दिखाने वाले हैं, ऑफिशियल एकदम जारी हो चुका है, ठीक भैया। यहाँ देखो, 6-8 से इनका मेडिकल स्टार्ट है, 24 तक इनका मेडिकल चलेगा। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से देख लेना, पूरा जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, कॉल लेटर धनाधन जारी किए गए हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉल लेटर आए हैं हमारे पास, आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं। यहाँ देखिए लिस्ट जारी हो गई भैया, यहाँ पे देखो। सबसे पहले अभी धीरे धीरे करके सभी लिस्ट आ जाएंगी, कोई कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, निश्चिंत रहना। जिस बच्चे का मेडिकल 5 तारीख को है, 5 अगस्त को, पीएससी वाले कैंडिडेट देखो, जिनका 5 तारीख से मेडिकल है, आपकी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। और कहाँ आपका मेडिकल होगा, रामपुर सिविल लाइन, यानी होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका मेडिकल होगा, और आपके सिविल लाइन में आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। जो पुलिस लाइन है वहीं पर आप सभी का मेडिकल कराया जाएगा, 5-8-2021 को, ठीक भाई। यहाँ पे देखो अच्छे से नाम वगैरह सबको दिख रहा होगा, देख लो अच्छे से कितना पैनल जारी हुआ है, 30 का पैनल जारी हुआ है। ऐसे ऐसे करके पूरी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे देखिए, ये है जेल वार्डर फायरमैन का, ठीक भैया। जेल वार्डर का देख लेना, आपका नियुक्ति कब है और आपकी ज्वाइनिंग कब है, आपका मेडिकल कब कराया जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा एकदम जारी किया गया नोटिफिकेशन, ठीक। आपको ले चलते हैं यहाँ पे, देखिए फटाफट ले चलते हैं डेट पे, एकदम मेन डेट पे। यहाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यही कटिंग आपको दिखा दे रहे थे। यहाँ पे देखो, 6-8-2021 से 24-8-2021 तक आपका मेडिकल होना है। डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखो, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सारी चीज़ें बाकी आपको तरह तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे, दना दना आपको वीडियो मिलेगी। शपथ पत्र आप अपने प्ररूप में ही उसको करना, जो भर्ती बोर्ड के साइट पर अपलोड किया गया था वही शपथ पत्र लगेगा, उसके अलावा कोई शपथ पत्र आप बनवा नहीं सकते, ठीक है भैया। सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से देख लेना, कहाँ कहाँ सारी चीज़ें, मंडल वगैरह, बस्ती वगैरह, सारी चीज़ अच्छे से दिया गया है यहाँ पे। मंडल सूची वगैरह देखो यहाँ पे, जिला, यहाँ देखो मंडलवार कारागारों की सूची अच्छे से दिख रहा होगा, सब कुछ देख लो, थोड़ा सब कुछ पूरा क्लियर है, A to Z। यहाँ पे देखो किस किस मंडल में कितने कारागार हैं, सब कुछ दिखाया गया है, ठीक। तैयार रहना, बस मेडिकल एक ही दिन का अंतर है, दोनों साथ में स्टार्ट हो गए हैं, ओके। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग गुड न्यूज़ है, आप लोग तैयार रहना, हैप्पी रहना, बहुत जानकारी इसमें मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तुरंत दंड से मैसेज करो, उसका जवाब आपको देंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ दिखा दिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखो, फट दिन निकलो मेडिकल के लिए। मिलते हैं शूटिंग, थैंक यू, धन्यवाद।